हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह, हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में मैंने आपको बताया था सिलोलिज्म को मैं आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके करवाऊंगा, ठीक है। और हमने इसका पहला पार्ट जो था वो अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो लेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था पार्ट वाइज, फर्स्ट वीडियो आप देखना, फर्स्ट वीडियो में बताया था इसके पांच टाइप लिए थे। उसके बाद मैंने इसको अलग अलग टू टू टाइप्स में डिवाइड करके टोटल मैंने तीन पार्ट बनाए थे। और तीन पार्ट में मैं आपको जो सिलोलिज्म टॉपिक है आपका वो कंप्लीट करवाने का बोला था। आज हम अपने ने पिछली वीडियो में पार्ट फर्स्ट था जो अपना वो हमने फिनिश कर दिया था, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिलोलिज्म का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या करूंगा मैं आपको, आइदर और पॉसिबिलिटी वाला केस है उसको, उसके बारे में हम करेंगे। आपको सबसे पहले उसके बारे में रूल्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को करना होता है, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल करेंगे। आपको जो ये रूल हैं वो आपको मैं एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, और उन रूल्स को आप माइंड में सेट कर लेना और अपना सारा फोकस एक बार इसी की ओर, बोर्ड की ओर रखना अपना फोकस, जिससे आपको आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जल्दी से जल्दी सीखना सीख सकोगे, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ। हमारे जो आइदर और पॉसिबिलिटी वाला केस है इसमें आपके जो रूल्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखो फर्स्ट रूल में हमें क्या दे रखा है, इफ कंक्लूजन इज नॉट रॉन्ग इन एनी कंडीशन। इफ कंक्लूजन हमारा जो है वो किसी भी कंडीशन में हमारा कंक्लूजन यदि रॉन्ग नहीं होगा तो तभी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, राइट right होगा। एक बार इसको पढ़ो, इफ कंक्लूजन इज नॉट रॉन्ग इन एनी कंडीशन only then conclusion is right। यदि हमारा, हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं, कंक्लूजन को आप हिंदी में बोलोगे निष्कर्ष। यदि आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को आप चेक करोगे तो वो जो आपका निष्कर्ष होगा वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका किसी भी कंडीशन में जो आपका निष्कर्ष है वो गलत नहीं होगा तभी बोलोगे कि हमारा कंक्लूजन सही है या फिर वो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। यदि आपका कंक्लूजन है किसी भी कंडीशन में गलत हो रहा है तो वो आपका सही हो ही नहीं सकता। यदि कोई चीज आपकी गलत होगी तो उसको आप सही कैसे बोलोगे, सही नहीं बोल सकते ना। इसलिए यहाँ पर रूल में यही लिखा है, अच्छे से समझना कि हमारा जो निष्कर्ष है वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। यदि वो किसी भी कंडीशन में गलत हो गया तो हमारा वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, और यदि हमारा वो गलत नहीं होगा तभी हमारा कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट रूल था, अब ले चलता हूं आपको सेकंड रूल पे। सेकंड रूल में क्या लिखा है, इफ यू डोंट हैव कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट कंक्लूजन द कंक्लूजन डू नॉट फॉलो, ठीक है। अगर आपको जो आपका निष्कर्ष होगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, कई बार आपने पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर नहीं पाते उसको, देखते हैं हमें पूरा मतलब पता नहीं होता कि हमारा वो कंक्लूजन सही होगा या फिर गलत होगा, तो ये हमारी असमंजस की स्थिति होती है। तब हम उस कंक्लूजन को क्या लेंगे, कंक्लूजन को नॉट फॉलो लेंगे, हम मानेंगे कि वो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है यानी कि वो सही नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, इफ यू डोंट हैव कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, ठीक है। यदि आपके पास कंक्लूजन के बारे में, निष्कर्ष के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा कि वो सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आपको निष्कर्ष में कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपका वो क्या होगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ये थे आपके आइदर और के केस में दो रूल, जो जिस रूल्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं उसके बारे में, पूरे रूल के बारे में चर्चा करूंगा। ये आपकी बेसिक जानकारी थी, इसमें क्या क्या बताया है मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें मैंने आपको बताया है कि यदि आपके कंक्लूजन है किसी भी कंडीशन में आपका कंक्लूजन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यदि आपका किसी भी कंडीशन में कंक्लूजन रॉन्ग नहीं होगा तभी आप उसको सही बोलोगे। यदि आपका किसी भी कंडीशन में वो यदि रॉन्ग हो गया तो आप उसको सही कैसे बोल सकते हो, सही बोल ही सकते, यदि रॉन्ग ही हो गया तो उसको आप सही बोल ही सकोगे। अब देखो, यदि आपको कंक्लूजन के बारे में पता नहीं लग रहा, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो वो आपको उसके बारे में पता नहीं लग रहा ये सही होगा या फिर गलत होगा, तो आप उस कंक्लूजन को हमेशा क्या करोगे, रॉन्ग करोगे, डज नॉट फॉलो करोगे, यानी कि वो हमारा कंक्लूजन अनुसरण नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बारे में आगे अपने चलते हैं अपने आइदर और के जो रूल्स हैं उसके बारे में।
ये आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो हमारे आइदर ओर्स के जो रूल हैं, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे एलिमेंट्स है जो वो सेम होने चाहिए। जो अपने को निष्कर्ष दे रखे होंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो दिए होंगे, एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो अपने को कंक्लूजन दिए होंगे, कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड, कोई भी जितने भी कंक्लूजन आपको दिए होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी कंक्लूजन आपके रोंग होने चाहिए। यदि आपके सभी की सभी जो कंक्लूजन होंगे वो रोंग होंगे तभी आपका आइदर ओर वाला केस बनेगा। आइदर ओर वाला केस कब बनता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब अपने दोनों के दोनों कंक्लूजन रोंग होते हैं तभी हमारा आइदर ओर केस बनता है। उसके बाद देखो हमारा क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा। कंप्लीमेंट्री पेयर पेयर जैसे कंप्लीमेंट्री पेयर कैसे, एक तो आपका नेगेटिव आ जाएगा और दूसरा आपका जैसे यहां मैंने लिख रखा है कंप्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होंगे आपके, सम होगा या फिर सम नोड। इसमें क्या आ गया हमारा नेगेटिव भी आ गया और सम के साथ आपका क्या आ गया, सम के साथ नेगेटिव आ गया, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, आपका सम के साथ नेगेटिव आ गया, यहां भी आपका नोट आ रहा है जो नेगेटिव आ रहा है और इसमें देखो आल के साथ भी फिर सम नोट आ गया, एक नेगेटिव आएगा तो वो आपका कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा एक दूसरे के विपरीत। तो यहां भी देखो सम दे रखा और सम के साथ आपका क्या आ गया, नो आ गया, तो हमारा क्या हो रहा है यहां पर तीनों पेयर बन रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जिसमें क्या है एक कंडीशन में हमारे का नोट दे रखा है और ये आपके थे आइदर और के रूल। ठीक है, अब इन पे बेस्ड अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइदर और के आपके केस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं एक बार, जो आपके ये रूल लिखे हुए हैं एक बार साइड में, और यहां से अपने रूल्स देख करके क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको साफ कर दूंगा, रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, एक आधा क्वेश्चन करोगे तो फिर अपने क्वेश्चन लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दे रखे होंगे, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम पल्स आर जर्म्स, सम पल्स, सम पल्स आर जेम्स। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट आपका फर्स्ट, और स्टेटमेंट सेकंड आपको क्या दे रखा है, ऑल जेम्स आर डायमंड्स, ऑल जेम्स आर डायमंड। ठीक है, और आपको थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, नो डायमंड इज स्टोन, नो डायमंड इज स्टोन। और फाइनल आपको फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है, सम स्टोन्स आर कोल्स। ठीक है, और हमने अब क्या दे रखे हैं, नीचे हमें दे रखे हैं कंक्लूजन भी देख लीजिए क्या क्या है। पहला कंक्लूजन आपको दे रखा है सम स्टोन्स आर पर्ल्स, सम स्टोन्स आर पर्ल्स। ठीक है, और उसके बाद आपको सेकंड कंक्लूजन दे रखा है सम कोर्स बीइंग डायमंड इज पॉसिबिलिटी, सम कोर्स बीइंग डायमंड इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद आपको थर्ड कंक्लूजन दे रखा है नो स्टोन इज पर्ल।
ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं चार, और उसके बाद आपको तीन कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको रूल में बताया था कि आपके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइदर और की बात कर रहे हैं। तो यहां जो अपना सेकंड वाला है, ये पॉसिबिलिटी वाला है, एक बार पॉसिबिलिटी वाले को अपने छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आइदर और की। तो ये जो पॉसिबिलिटी वाला आपका केस है, वो हम एक बार इसको छोड़ करके अपने आइदर और वाले केस लेते हैं। आइदर और वाले केस में देखो क्या रूल था, एलिमेंट्स आर सेम, हमें जो अपना कंक्लूजन दे रखा होगा इसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखो यहां पर आपको दे रखा है स्टोन्स आर पर्ल्स, और यहां भी दे रखा है स्टोन्स इज पर्ल्स। तो आपके एलिमेंट देखो, स्टोन्स यहां है, पर्ल्स यहां है, और स्टोन्स यहां है, पर्ल्स यहां है, आपके एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है जो हमारे दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी रॉन्ग होने चाहिए, मतलब हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए हमारे डायग्राम के हिसाब से। उसके बाद मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा, एक बार आपको रूल है जो उस हिसाब से निष्कर्ष के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आइदर और के रूल, ठीक है। और उसके बाद आपको थर्ड नंबर रूल क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका कंप्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर देखो कैसे बताया था, सम और या फिर सम नोट का बन गया, ऑल फिर या फिर सम नोट का बन गया, एक हमारा नेगेटिव बनना चाहिए। अब देखो यहां आपको कहां नेगेटिव दे रखा है, यहां आपको इधर नेगेटिव दे रखा है ना, यहां नो दे रखा है, तो ये आपका नेगेटिव है। तो हमारे को देखना था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो ये रूल आपके यहां से आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसीलिए मैंने उसको रूल्स को क्लियर नहीं किया था। तो अब मैं इसको रूल्स को क्लियर कर रहा हूं, आपको अच्छे से रूल का मैंने एनालाइज करके बता दिया कैसे हमें दे रखा होगा, और आपको एग्जांपल लेकर के उस पे मैंने समझा दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो इसके क्वेश्चन भी अपना, इसके क्या है जो अपने पास इसका ऑप्शन होंगे वो भी अपन ले लेते हैं। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है ओनली फर्स्ट फॉलो। नीचे लिख देता हूं आपके ऑप्शन जो है वो मैं आपको यहां नीचे लिख देता हूं। ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, आइदर फर्स्ट और, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ठीक है। और आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। और आपका डी ऑप्शन है उसमें आपको दे रखा है सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और आपका एक ऑप्शन और है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर ऑप्शन क्या है देख लीजिए, ओनली सेकंड फॉलो, ये आपके चार ऑप्शन हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम हमारा कैसा कैसे बनेगा, देखो मैंने आपको बोला था हम किस प्रकार चलते हैं डायग्राम में। सबसे पहले हम ऑल वाला डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल देखो किस में दे रखा है, ऑल आपको दे रखा है सेकंड वाले स्टेटमेंट में। यहाँ क्या दे रखा है, ऑल जेम्स आर डायमंड। तो जेम्स है वो सारे के सारे हमारे को क्या बनाने हैं, डायमंड बनाने हैं। तो मैंने यहां जेम्स बना दिया, ठीक है, ये क्या हमारा आ गया जेम्स। तो ऑल दे रखा है सभी के सभी जेम्स क्या है, डायमंड है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जो जेम्स का जो सारा का सारा पार्ट होगा वो किस में आएगा, वो आपका आ जाएगा डायमंड में, ठीक है, डायमंड में आ जाएगा। और उसके बाद हमें लेना है सम वाला।
तो यहां मैंने देखा कि हमें दे रखा है सम पल्स आर जेम्स, तो क्या दे रखा है सम पल्स आर जेम्स, तो आप देखो यहां भी आपको सम दे रखा है और यहां भी आपको सम दे रखा है, तो यहां आपको दे रखा है सम स्टोन्स आर कॉल्स, तो स्टोन का आपको पहले आपने डायग्राम नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं है यहाँ का कैसे बनाओगे आप, यदि आप ये वाला बनाना चाहो तो ये आप बना ही नहीं सकते, इसलिए पहले आपको यही लेना पड़ेगा सम पल्स आर जेम्स, तो मैंने सम पल्स आर जेम्स बना दिया, तो ये आपके पल्स हो गए, ठीक है सम पल्स आर जेम्स, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है, मैं भी वैसे वैसे ही कर रहा हूं जैसे हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। देखो हमने ये वाला क्लियर कर लिया और उसके बाद ये वाला क्लियर कर लिया, उसके बाद हम देखो सम स्टोन्स आर कॉल्स, ये वाला हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं क्या सम स्टोन्स आर कॉल्स, तो हमें स्टोन का अभी तक डायग्राम ही नहीं बनाया तो ये हमारा नहीं बन सकता, तो इसलिए हम पहले क्या बनाएंगे थर्ड वाला बनाएंगे, यहां आपको देखो क्या दे रखा है नो डायमंड इज स्टोन, तो डायमंड का स्टोन के साथ क्या है कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो डायमंड का ये आपका डायमंड हो गया और ये आपका स्टोन हो गया, ठीक है डायमंड का स्टोन के साथ क्या कर रखा है मना कर रखा है, डायमंड का स्टोन के साथ मना कर रखा था तो मैंने यहां पर बीच में क्या लगा दिया निशान लगा दिया कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है, और अब देखो हमने ये वाला भी ले लिया हमारा फाइनल बच गया, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो यहां दे रखा है सम स्टोन्स आर कॉल्स, जो आपको स्टोन दे रखे हैं उसका कुछ भाग क्या बनाना है आपको कॉल्स बनाना है, यदि आपको सम में दे रखा होता है तो उसका कुछ भाग कॉमन होना चाहिए किसके साथ कॉल्स के साथ, स्टोन को मैंने क्या बना दिया कुछ भाग उसके कॉल्स बना दिए, तो ये हमारा क्या बन गया ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो हमने डायग्राम बना लिया, उसके बाद मैंने आपको रूल भी पढ़वाए थे, रूल पढ़ाए थे जो उन रूल में क्या था, सबसे पहले हमें देखना था हमें जो एलिमेंट्स दिए होते थे वो एलिमेंट्स हम चेक करते थे कि हमारे एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या, यहाँ भी आपको वही एलिमेंट्स दे रखे हैं और यहाँ भी आपको वही एलिमेंट्स दे रखे हैं, और उसके बाद हमारा सेकंड, तो हम अभी क्या करेंगे अपने जो कंक्लूजन है उस पे बेस्ड अपने करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे, हमें देखो यहां दे रखा है सम स्टोन्स आर पल्स, तो सम स्टोन्स आर पल्स, अब स्टोन्स और पल्स में देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या आपकी सम स्टोन्स आर पल्स, सम स्टोन्स आर पल्स, स्टोन्स यहां है और पल्स आपके यहां है, स्टोन्स तो यहां है और पल्स आपके यहां है, और ये आपको बोल रहा है सम स्टोन्स आर पल्स, कुछ स्टोन है वो क्या है पल्स है, तो ये तो आपका स्टोन यहां रह गया और पल्स यहां रह गया, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही हमें दे ही रखा, तो ये अपना कंक्लूजन क्या हो जाएगा ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें और उसमें कोई भी आपको रिलेशन नहीं दे रखा। देखो एक बार फिर से पढ़ो सम स्टोन्स आर पल्स, ये स्टोन पड़े हैं ये पल्स पड़े हैं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन दे रखा है क्या नहीं दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे इसको रोंग करेंगे, मैंने आपको जो रूल लिखाए थे उसमें बताया था कि हमारे पास पॉसिबिलिटी वाले में हमारे पास क्या करना है हमें देखना है कि हमारा कंक्लूजन किसी भी कंडीशन में रोंग नहीं होना चाहिए तभी हम सही करेंगे, और हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तभी हम क्या करेंगे सही करेंगे, और यदि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो आपको रोंग करना है। अब देखो यहाँ सम स्टोन्स आर पल्स, और अपने को पता है इससे आपका स्टोन का मना किया हुआ है बट हम इसे ले सकते हैं, तो ये आपकी किसमें कंडीशन आ गई ये आप अपनी तरफ से बना रहे हो, तो ये अपना पल्स और स्टोन का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अपना यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है वो रोंग हो गया। उसके बाद आपको दे रखा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाले को एक बार छोड़ो अपने चलते हैं नेक्स्ट पे, यहां आपको नेगेटिव देना होना दिया होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने आपको बोला था ठीक है पेयर दिया होना चाहिए, यहां आपको नोट दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया आपका ठीक है। अब यहां दे रखा है नो स्टोन इज पल्स, नो स्टोन इज पल्स, तो ये आपको स्टोन दे रखा है और ये आपको पल्स दे रखा है। अब देखो स्टोन और पल्स है, आपको यहां दे रखा है कोई भी जो स्टोन है वो आपका पल्स नहीं है,
कोई भी स्टोन है जो आपका वो पर्स नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो इसके साथ इसको मना किया हुआ है वो पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट आपको इसके साथ मना किया हुआ है, ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ किसका निशान है, मना करने वाला निशान है। और हमें यहाँ दे रखा है नो स्टोन इज पर्ल। तो ये देखो, ये जो बार वाला पार्ट है, ये वाला जो पल्स वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका स्टोन हो सकता है ना, क्योंकि हमें मना तो कौन सा किया है, इस पार्ट का किया है, बट ये तो आपका हो सकता है। तो ये भी आपका कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और मैंने आपको बताया था आपकी दोनों की दोनों कंडीशन है जो वो क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हमारा आइदर और वाला केस लगता है। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड आपके दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो हमारा क्या बनेगा, आइदर और वाला केस बनेगा। किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। देखो किसमें, फर्स्ट और थर्ड में हमारा आइदर और वाला केस दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड में। तो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो हमारा यहाँ पे आइदर और वाला केस बन गया। उसके बाद हम अब बात करते हैं हमारे पॉसिबिलिटी वाले केस की। पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या होता है, जो कहीं भी आपको पॉसिबिलिटी दे रखी हो, पॉसिबिलिटी आपको दे रखी हो, इसमें आप ध्यान रख लेना ये बात, जब आपको पॉसिबिलिटी दे रखी हो तो हमें क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से इसे सही बनाना है। ठीक है, हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके इसको हमें सही बनाना है, पॉसिबिलिटी वाले केस को। यदि अपना सही बन गया तो हमारा ये फॉलो कर जाएगा, और यदि नहीं सही बना तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और हमारा किसी ना किसी कंडीशन में सही बनाने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। बनाना ही नहीं है, कोशिश करनी है। यदि बन रहा है फिर आपको इसको क्रैक करोगे। अब देखो यहाँ क्या देखा है, सम कोड्स आर बीइंग डायमंड इज पॉसिबिलिटी। जो आपके जो कोर्स दे रखे हैं, कोर्स दे रखे हैं, इसका डायमंड बनने का क्या दे रखा है, पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो हम देखो, जो आपके ये कोर्स हैं, इसको डायमंड बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, इसको मैं डायमंड बनाना चाह रहा हूं, इस पार्ट को डायमंड बनाना चाह रहा हूं। तो देखो, यदि मैं इसको डायमंड बनाना चाहूं तो हमारे को यहाँ पे क्या है, पता हमें दे रखा है कि ये डायमंड नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आ रहा है, क्रॉस का निशान आ रहा है, तो ये इसको मना कर रहा है डायमंड बनने से। बट अब देखो, अब यहाँ पर आप इस चीज को देखो, जो आपका इस पार्ट से ये बार वाला पार्ट है, जो ये बार वाला है, ये इसको यदि मैं डायमंड बनाना चाहूं तो बना सकता हूं क्या, बना सकता हूं ना। देखो यहां तो इसको, इस पार्ट को यदि मैं इसमें लेके जाता हूं तो यहां मेरे को यहां पे मना कर देता है, बट जो ये पार्ट है इसको मैं ऐसे इसमें लेके जा सकता हूं, क्योंकि आपके जो क्रॉस का निशान है वो ओनली इस पार्ट के साथ है, इस पार्ट के साथ, इसके साथ तो नहीं है। तो मैं इसको क्या बना सकता हूं, डायमंड बना सकता हूं। तो आपका देखो जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या हो गया, वो आपका सही हो जाएगा, सेकंड कंक्लूजन सही हो जाएगा। और अब देखो ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड अपना सही है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या लगेगी, आपकी आइदर और वाली कंडीशन लगेगी। तो ये आपका बी ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। पॉसिबिलिटी वाले केस में मैंने बताया है कि किसी ना किसी तरीके से इसको हमने सही करना है। आइदर और वाले केस में मैंने आपको रूल लिखाए थे, पहले हमें देखना है हमारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होंगे उसके बाद हमें क्या देखना है, हमारे जो कंक्लूजन होंगे वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया, इसमें क्या बन गया, हमारा जो अपना सेकंड है वो तो फॉलो कर रहा है, और जो दोनों आपके फर्स्ट और थर्ड था उसमें हमारा आइदर और वाला केस लग गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम,
हाइड्रो वाले केस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज इसको अपने आज जो आपका पार्ट सेकंड है इसको अच्छे से अपने समझेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको दे रखा है सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट। स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट में दे रखा है सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम मेंट्स आर फ्लैट्स, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। क्या दे रखा है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स। ठीक है, और आपको दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स। ठीक है, और थर्ड में आपको दे रखा है ऑल बिल्डिंग्स आर बंगल्स, आर बंगल्स। और आपको लास्ट स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल बंगल्स आर गार्डन्स, ऑल बंगल्स और बंगल्स आर गार्डन्स। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन देखिए आपके क्या क्या दे रखे हैं। कंक्लूजन भी मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन आपको दे रखा है ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, और आपको सेकेंड कंक्लूजन दे रखा है ऑल बंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, ऑल बंगल्स आर नॉट बिल्डिंग। और आपको कंक्लूजन अगला दे रखा है नो फ्लैट इज गार्डन, नो फ्लैट इज गार्डन। ठीक है, ये आपके कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या है स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट्स, ऑल अपार्टमेंट आर फ्लैट्स। उसके बाद आपको दे रखा है सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, उसके बाद ऑल बिल्डिंग्स आर बंगल्स और ऑल बंगल्स आर गार्डन। और आपको तीन ही क्या दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहले अपने क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम देखो इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें दे रखा है ऑल अपार्टमेंट्स आर ऑल बिल्डिंग, सबसे पहले हम ऑल का डायग्राम बनाएंगे तो ऑल बिल्डिंग्स आर बंगल्स दे रखा है। तो ऑल बिल्डिंग्स ये मैंने क्या बनाई, बिल्डिंग बनाई। ठीक है, और बिल्डिंग्स बनाई, उसके बाद बिल्डिंग्स के बाद हमें क्या दे रखा है, सारी की सारी बिल्डिंग क्या है, बंगल्स हैं। तो बिल्डिंग को मैंने क्या बना दिया, सारी की सारी को बंगल्स, बी यू एन जी, इससे मैंने लिख दिया। और आगे देखो यहां अपने को दे रखा है ऑल बंगल्स आर गार्डन्स। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे जो बैंगल्स हैं वो आपके क्या बनाने हैं, गार्डन बनाने हैं। तो मैं ऐसे करके सभी के सभी बैंगल्स को क्या बना देता हूं, गार्डन बना देता हूं।
ठीक है, ये हमारे ओल वाला मैंने डायग्राम बना दिया। अब उसके बाद हम बनाएंगे सम वाला। तो यहां देखो अपने को पहले क्या दे रखा था, बिल्डिंग, ठीक है, मैंने बनाया था बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, ठीक है, फिर ऑल बैंगल्स आर गार्डन। अब देखो हमें यहां दे रखा है सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, कुछ जो आपके फ्लैट हैं वो क्या है, बिल्डिंग है। तो मैंने ये आपके फ्लैट बना दिए, जो मैंने फ्लैट बनाए हैं वो आपके क्या हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो ये वाला पार्ट आपका बिल्डिंग और फ्लैट में कॉमन आ गया। और उसके बाद आगे देखो, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स। तो मैंने जो ये आपके कुछ अपार्टमेंट क्या बना दिए, फ्लैट बना दिए, तो ये मेरे अपार्टमेंट हो गए। एक बार आप इसको डायग्राम को देखो अच्छे से कि मैंने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है, एक बार आप चेक करो अपनी तरफ से, फिर मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि कैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, चेक कर लीजिए एक बार। अब देखो कैसे बनाया है मैंने डायग्राम, पहले हमें बनाना था ओल का डायग्राम, ओल का डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ अपने को दे रखा है ओल बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, तो सारी की सारी बिल्डिंग मैंने बैंगल्स के अंदर बना दी। फिर उसके बाद हमें दे रखा था ओल बैंगल्स आर गार्डन, तो सारे के सारे बैंगल्स मैंने गार्डन में बना दिए। तो उसके बाद हमें दे रखा था सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, तो मैंने बिल्डिंग का कुछ पार्ट फ्लैट में बना दिया। फिर हमें दे रखा था सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, तो फ्लैट का कुछ पार्ट मैंने अपार्टमेंट बना दिया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यहां दे रखा है ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी। अब देखो यहां अपने को पॉसिबिलिटी वाला केस दे रखा है, यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा तो आपको यहां दे रखा है ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग ए पॉसिबिलिटी, तो हमारे को यहां पॉसिबिलिटी वाला दे रखा है। देखो पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या करते हैं, यदि हमें ऐसा दे रखा होता है तो मैं यह लिख देता हूं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाले केस में हम क्या करते हैं, यदि हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा, मैंने आपको बताया है आइदर ऑर वाला केस कराऊंगा उसके बाद पॉसिबिलिटी वाला केस कराऊंगा, जो इससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था वो आपका आइदर ऑर का था, तो ये आपका पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी का सभी जो अपने डायग्राम बनाना है बनाया है इसमें सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई भी आपका नेगेटिव नहीं आ रहा स्टेटमेंट। यदि आपके डायग्राम में सभी के सभी आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखे हैं तो आपका क्या होगा, पॉसिबिलिटी हमेशा ही सही होगी, ठीक है। यदि आपको यदि सभी आपके जो दे रखे होंगे सभी के सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो पॉसिबिलिटी जो आपको दे रखी होगी, पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या लिखाया, ये लिखाया पॉसिबिलिटी वाले केस में यदि आपके सभी ये सभी स्टेटमेंट जो दे रखे होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी, आपकी क्या है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी आपकी ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। तो हमें देखो यहाँ दे रखा है ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी। तो हमें यहाँ पे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग में यदि आप इसको इस रूल को अप्लाई करके भी देखो, अप्लाई करके भी देख सकते हो, ये मैंने आपको वैसे लिखवाया है कि आप ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो पॉसिबिलिटी वाले केस में, यदि आपको यहाँ पर जो आपके डायग्राम बनाए हैं इसमें सभी के सभी पॉजिटिव दे रखे हैं तो आप आंख बंद करके जो आपकी पॉसिबिलिटी दे रखी है पॉजिटिव वाली उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज पॉसिबिलिटी, जो अपार्टमेंट है वो बिल्डिंग बनाने की पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ क्या हो रही है, अपनी पॉसिबिलिटी बन रही है क्या नहीं बन रही, आप चेक करो। देखो यहाँ यदि मैं अपार्टमेंट को चक के बिल्डिंग के अंदर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता,
देखो मैं रख सकता हूँ, क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि हमें कोई यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दे नहीं रखा। नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें हमें इस क्वेश्चन के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें मना का निशान दे रखा था, क्रॉस का निशान दे रखा था। यहाँ आपको किसी भी स्टेटमेंट में क्रॉस का निशान नहीं दे रखा, तो ये आपका जो केस होगा अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। देखो जब आपका ये करेक्ट हो गया, उसके बाद आपकी जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होगी, जितनी भी आपको नेगेटिव पॉसिबिलिटी दे रखी होगी वो आपकी रॉन्ग होगी, ठीक है। नेगेटिव उसके बाद आप देख लो, आपका रूल में लिख लो, नेगेटिव पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या दे रखा है, यहां आपको ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, यानी कि हमें नेगेटिव दे रखा है, नॉट दे रखा है, तो ये भी आपका निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो जाएगा। और अगले निष्कर्ष में देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, नो फ्लैट्स इज गार्डन, तो ये भी आपका निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। ये आपके पॉसिबिलिटी के रूल हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए, और यदि आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर लो, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखो यहाँ दे रखा है ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग्स, ऑल बैंगल्स आर, यहाँ बैंगल्स दे रखा है, यहाँ बिल्डिंग दे रखा है, तो ये देखो बिल्डिंग बैंगल्स आपकी दे रखी है, ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, तो यहाँ अपने को दे रखा है बैंगल्स का बिल्डिंग के साथ मना कर रखा है, जबकि हमारा यहाँ पर बन रहा है, इसलिए आपका जो ये नेगेटिव वाला होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो गया। और नो फ्लैट इज गार्डन, तो फ्लैट वाला भी देखो गार्डन के साथ, देखो यहाँ आपका ये पार्ट है वो गार्डन के साथ टच हो रहा है, तो ये वाले जो फ्लैट है वो गार्डन हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो नेगेटिव होगा वो आपका फॉलो नहीं करेगा। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका पॉसिबिलिटी वाला केस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चलो देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं साफ कर देता हूं, हम अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। एक मैंने पहले आपको आइदर ओर का केस करवाया, अब मैंने आपको पॉसिबिलिटी का केस करवाया, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं एक बार, यहां स्टेटमेंट में हमें दे रखा है सम अपार्टमेंट्स, ये अपना क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल अपार्टमेंट्स, स्टेटमेंट आपके वही सेम है जो पहले वाले थे, पहले वाले जो स्टेटमेंट थे वही सेम है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, चलो डायग्राम भी दोबारा बना के बता दूं आपको, क्या है हमारे स्टेटमेंट, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, ठीक है, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। उसके बाद आगे आपको दे रखा था, क्या दे रखा था, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, इसका डायग्राम वही बनेगा जो अपन ने पहले बनाया था। और आगे आपको दे रखा है ऑल बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, आर, ठीक है, और फोर्थ आपको क्या दे रखा था, ऑल बैंगल्स आर गार्डन, ऑल
आर गार्डन। ये आपको चार स्टेटमेंट दे रखे थे, यही सेम आपको पिछले क्वेश्चन में दे रखे थे। अब इसके आप कंक्लूजन देखो, इसके कंक्लूजन उससे थोड़े डिफरेंट हैं और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो इसमें हमें कंक्लूजन में क्या दे रखा है। फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है ऑल अपार्टमेंट इज नॉट बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट इज होल अपार्टमेंट नॉट बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी। और आपको सेकेंड कंक्लूजन दे रखा है ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, ऑल आर नॉट बिल्डिंग। और आपको थर्ड कंक्लूजन दे रखा है नो फ्लैट इज गार्डन, नो फ्लैट इज गार्डन। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको कंक्लूजन दे रखे हैं। अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। आपको डायग्राम ऑलरेडी आता होगा क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बना के दिखाया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। तो हमारे को दे रखा है ऑल बैंगल्स आर गार्डन, ये मैंने बना दिया बैंगल्स, ठीक है, ऑल बैंगल्स आर गार्डन। तो मैंने ये गार्डन बना दिए, सारे के सारे बैंगल्स किस में बना दिए, गार्डन में बना दिए, ठीक है। और आगे आपको क्या दे रखा है ऑल बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, तो बिल्डिंग है वो सभी की सभी क्या है, बैंगल्स है। तो मैंने यहाँ बिल्डिंग्स बनानी है, इसके अंदर क्या बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। तो ये आपकी क्या होगी, बिल्डिंग्स होगी, तो ये आपकी क्या होगी, बिल्डिंग्स, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, बिल्डिंग्स होगी। देखो पहले ये वाला बनाएंगे फिर ये बनाएंगे। अब देखो ऑल बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, बिल्डिंग्स को मैंने बैंगल्स के अंदर रख दिया, बैंगल्स आप यहाँ पे लिख लो, चाहे बैंगल्स आप यहाँ पे लिख लो। तो ऑल बिल्डिंग्स आर बैंगल्स, फिर ऑल बैंगल्स आर गार्डन, फिर उसके बाद सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग। तो सम फ्लैट्स मैंने बिल्डिंग में बनाने हैं, तो सम फ्लैट्स ये आपके आगे फ्लैट्स, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स। और उसके बाद आगे देखो आपको क्या दे रखा है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिए, यहां मैंने अपार्टमेंट बना दिए फ्लैट्स के साथ टच करके, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कंक्लूजन दे रखे हैं, जो वो देखो कैसे इन इस टाइप के कंक्लूजन को हमें कैसे करना है। पिछले वाले कंक्लूजन में हमें क्या दे रखे थे, पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखे थे, पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखे थे। तो हमें यहाँ अब देखो क्या कंक्लूजन दे रखा है, यहाँ नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव कैसे दे रखा है। तो देखो ऑल अपार्टमेंट्स आर नॉट बीइंग ए, नॉट बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट्स नॉट बीइंग is a possibility। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन देखता हूं, all apartments is being building, all apartments not being buildings, यहां buildings है बीच में, यहां क्या है buildings, ठीक है। अब देखो यदि आपको possibility वाले केस में, possibility वाले केस में नेगेटिव दे रखा हो, नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा हो, नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा हो, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अपने जो मैंने आपको बताई है, शॉर्ट ट्रिक नेवर अप्लाई, शॉर्ट ट्रिक हमें अप्लाई नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहां क्या है, पॉसिबिलिटी जो दे रखी है यहां अपने को नेगेटिव दे रखी है, यानी कि हमें इसमें नोट दे रखा है, नोट दे रखा है। तो अब इसको आप करके देखो, इसको हमें चेक करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको चेक करोगे तो आप चेक करके देखो आपसे क्या हो रहा है, आपकी ये ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, आप इसको बना करके देखो।
अब देखो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ऑल अपार्टमेंट्स नॉट बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्डिंग से क्या कर रहा है, आपको मना कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ आपके अपार्टमेंट्स हैं, कहाँ पे आपके यहाँ अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ आपकी बिल्डिंग्स हैं, तो इन दोनों में देखो अलग अलग कर रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हमें ऑलरेडी अलग अलग दे रखा है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हमें यहाँ यही तो दे रखा है, ऑल अपार्टमेंट्स नॉट बीइंग बिल्डिंग्स, इनको अलग अलग करके बता रहा है, तो हमें ऑलरेडी इसमें अलग अलग दे रखे हैं, तो ये अपनी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। अब देखो आगे आपको कंक्लूजन जो सेकेंड दे रखा है, इसमें देखो ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, ये देखो बिल्डिंग्स दे रखी है, ये आपको बैंगल्स दे रखी है, तो हमें दे रखा है ऑल बैंगल्स आर नॉट बिल्डिंग, तो हमारे देखो यहाँ बिल्डिंग यहाँ बैंगल्स तो इसमें आ रहा है, तो यहाँ आपने को ऑल का दे रखा है, सभी का दे रखा है, तो यहाँ आपकी कुछ जो बैंगल्स है वो बिल्डिंग तो है ना, इसलिए तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और उसी प्रकार आगे देखो नो फ्लैट इज गार्डन, तो फ्लैट का भी आपको गार्डन के साथ मना किया हुआ है, बट ये वाला देखो जो पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है, ये अपने इसको गार्डन बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नो फ्लैट इज गार्डन, कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं दे रखा, तो ये भी आपकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। तो ये आपके इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ओनली ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है सेम, इसमें अपनों ने ओनली ये देखा है नेगेटिव पॉसिबिलिटी, यदि आपको पॉसिबिलिटी नेगेटिव दे रखी हो तो हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, और यदि आपको क्वेश्चन सही करना है, तो इसलिए आपको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको डायग्राम से करना है, और जो आपका SSC या NTPC का एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, ये आपके बैंक के लिए भी है, ये आपको बैंक के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और SSC NTPC में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही आएंगे, वो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक दिन आपको शीट शो कराएंगे NTPC और SSC से रिलेटेड, ठीक है, और ये आपके बैंक में पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं साफ करता हूं, आज का अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, आज की क्लास का, फिर चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा पॉसिबिलिटी वाला या फिर आइदर और वाला, ये आपको पूरा एक क्वेश्चन में सभी का सभी जो बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा मैं। अब देखो क्या दे रखा है, हमारे अगला क्वेश्चन है ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो आपके पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है बाकी वो अपने अगली क्लास में करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम डी आर ए, और स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है ऑल ए आर बी, और फिर आपको आगे दे रखा है नो बी इज सी, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, और कंक्लूजन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, कंक्लूजन भी मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन में आपको लिख रखा है ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कंक्लूजन सेकेंड, इसमें दे रखा है ऑल बी बीइंग
डी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। और आपको कंक्लूजन थर्ड, कंक्लूजन थर्ड में दे रखा है ऑल ए बीइंग सी, ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। और फाइनल आपको फोर्थ नंबर वाला कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल डी, ऑल डी बीइंग सी, बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। यहां से आपका पॉसिबिलिटी वाला केस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, सम डी आर ए, तो मैंने ये डी बनाई, तो डी ये मैंने क्या बनाए, ये मैंने बनाए डी। अब सम डी है वो क्या बनाने हैं हमारे को, वो ए बनाने हैं, तो मैंने ये सम डी है जो वो ए बना दिए, सम डी थे जो वो क्या बना दिए मैंने, ए बना दिए। ये देखो जो सम डी थे वो मैंने ए बना दिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आल ए आर बी, तो आल ए आर बी मतलब सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, तो मैंने सारे के सारे ए क्या बना दिया, ये देखो बी बना दिया, ये आपके ए हैं, ऑल ए आर मैंने बी बना दिए। उसके बाद आगे क्या लिखा है, नो बी इज सी, कोई भी बी है वो क्या है, सी नहीं है, बी का सी के साथ क्या कर रखा है, मना कर रखा है। अब देखो ये मैंने डायग्राम बना दिया, अब इसके अपने को क्या देखने हैं, देखने हैं हमारा जो कंक्लूजन है वो कौन कौन सा सही हो रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको दे रखा है ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, देखो ये देखा ए के डी की, ए के डी होने की पॉसिबिलिटी, ए के डी होने की पॉसिबिलिटी, देखो ऑल ए बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, तो हमें इसमें ए में और डी में अपने क्या करना है, पॉसिबिलिटी वाले केस में मैंने आपको बताया था किसी ना किसी तरीके से इसको सही करना है, इसको क्या करना है, सही करने की कोशिश करनी है। अब यदि मैं ए के अंदर सारे के सारे डी बनाऊं तो बना सकता हूं क्या, बना सकता हूं ना, क्योंकि हमें यहां इसके साथ कोई भी मना नहीं कर रखा, मना हमारा बी का सी के साथ है, ए का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो मैं ऑल डी है वो ए के अंदर बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, तो ये हमारा जो अपना कंक्लूजन फर्स्ट है ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, और जो आपके बी है वो मैं डी के सारे डी बना सकता हूं, बी का जो जितने भी बी हैं वो मैं डी बना सकता हूं, देखो बी का इसके साथ मना है, इसके साथ थोड़ी है, तो मैं डी के अंदर सारे के सारे बी भी बना सकता हूं, तो ये भी आपका कंक्लूजन सही हो गया, दोनों कंक्लूजन आपके सही हो गए। अब हम चेक करेंगे थर्ड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन में क्या दे रखा है, ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग सी, ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, यदि ए को मैं क्या बनाऊं, सी बनाऊं, ऑल ए बीइंग सी मतलब ए को यदि मैं सी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि यहां बीच में ये क्या है, क्रॉस का निशान आ रहा है कि आप इसके इधर नहीं जा सकते, यहां पे अपने को क्या है, खतरा है, खतरा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंक्लूजन थर्ड होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है, ऑल डी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, डी को क्या बनानी है, सी बनाना है, तो ये भी अपना नहीं बन सकेगा, क्यों नहीं बन सकेगा, क्योंकि हमें बीच में क्या दे रखा है, बीच में अपने को खतरा दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, तो ये हमारा इसके साथ मना कर रखा है, सारे के सारे हम क्या डी को सी नहीं बना सकते, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। हमारा कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है, सेकेंड फॉलो, जिसमें ये ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा उसको आप राइट करके आओगे, ठीक है। ये थे आपके आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केस, तो जो पॉसिबिलिटी वाला केस है वो भी मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अभी अपने नेक्स्ट क्लास में अपने जो टाइप थर्ड है वो करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में ये जितने भी सारे केस है ना आइदर और पॉसिबिलिटी वाले मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, और उस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जो अपने कल अपने क्लास लेने वाले हैं उस क्लास में आपको पहले जो ये आपके पॉसिबिलिटी वाला केस है इसको बिल्कुल आपको कन्फर्म करवा दूंगा, सही करवा दूंगा, अच्छे से आपको समझा
समझा दूंगा एक क्वेश्चन में और आपका इसका डंडा खत्म हो जाएगा। रोज रोज वाला की पॉसिबिलिटी वाले केस हमें समझ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम करेंगे टाइप इसका थर्ड अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।